अयोध्या में बनने वाले श्रीराम जन्मभूमि मंदिर कितना अलौकिक होगा, ये मंदिर में लगने वाले पत्थरों को देखकर ही पता चलता है। इस मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण पत्थरों पर उकेरी जाने वाली नक्काशी होगी। संपूर्ण मंदिर नागर शैली की नक्काशी के पत्थरों पर आधारित है। करोड़ों की आस्था का केंद्र श्री राम जन्मभूमि, इस आस्था को दिव्य और भव्य बनाने का जिम्मा लिया एक ऐसे शख्स ने जिनका परिवार पीढ़ियों से मंदिर निर्माण के कार्य में लगा रहा है। 15 पीढ़ियों से करीब ये काम कर रहे हैं। कहना तो ये है कि चंद्र को श्राप मिला था, तब सोमनाथ मंदिर जो उस टाइम बना था उसी में भी हमारे संपूर्ण परिवार ही थे, और सबसे पहले मंदिर की कल्पना उन्होंने ही की थी, वहाँ से ये सब चल रहा है। चंद्रकांत सोमपुरा गुजरात के रहने वाले सोमपुरा मंदिर निर्माण के जादूगर हैं, जिनका हाथ लगते ही राम लला की आराधना का यह स्थल सुंदरता का नया और अप्रतिम प्रतिमान बनाने वाला है। नागर शैली में बन रहा अयोध्या का राम मंदिर सोमपुरा के सृजन का सशक्त उदाहरण है। संपूर्ण मंदिर में दीवारों से लेकर खंभों पर बन रही छोटी छोटी कलाकृतियां तक सब चंद्रकांत सोमपुरा की कल्पना है। सोमपुरा करोड़ों की आस्था को नया आकार दे रहे हैं। बात चली थी नरसिंहराव जी के समय में, मुझे कहा गया था कि इसको विवादित ढांचा है तो आप 10 फुट दूर एक मंदिर बना दीजिए और राम जी की मूर्ति रख दीजिए। पर उस टाइम विश्व हिंदू परिषद ने, अशोक जी ने, सब ने कहा था कि भाई हमको तो जहाँ राम का 6x3 की खटिया में जन्म हुआ है वही जगह अगर मिलेगी तो मंदिर बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। तो आज जो भगवान की दया से वो जगह उनको मिल गई और मंदिर बनकर बन रहा है, वो एक सबसे बड़ी बात है कि जहाँ राम का जन्म हुआ उसी जगह पर राम की मूर्ति लगेगी, ये सबसे बड़ी बात है। चंद्रकांत सोमपुरा ने अयोध्या में राम मंदिर के डिजाइन पर 3 दशक से भी पहले काम करना शुरू किया था। वो साल था 1989 जब मंदिर का नक्शा तैयार करने का जिम्मा चंद्रकांत सोमपुरा ने लिया। तब विश्व हिंदू परिषद ने उनसे इसके लिए संपर्क किया था। राम मंदिर निर्माण के लिए इनसे सबसे पहले बात विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल ने की थी। उसके बाद चंद्रकांत सोमपुरा ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर डिजाइन पर काम करना शुरू किया। बन रहे भव्य दिव्य राम मंदिर की सजावट कैसी है और इसे बनाते वक्त किन बातों को खास ख्याल रखा गया है, ये सब कुछ इसके निर्माण का बारीकी से विश्लेषण करने वाली इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अयोध्या का राम मंदिर पूर्व पश्चिम दिशा में 380 फीट लंबा, उत्तर दक्षिण दिशा में 250 फीट चौड़ा और 161 फीट ऊंचा राम मंदिर समूचे उत्तर भारत का अनोखा मंदिर होगा। इस 3 मंजिला मंदिर में प्रत्येक मंजिल 20 फीट ऊंची होगी। बलुआ पत्थर के 392 पिलर, ग्राउंड फ्लोर पर 166 पिलर, फर्स्ट फ्लोर पर 177 पिलर, सेकेंड फ्लोर पर 82 पिलर, हर पिलर पर 25 से 30 मूर्तियां, पिलर पर कुल 9,800 मूर्तियां, दीवारों पर 10,000 से अधिक मूर्तियां, 161 फीट ऊंचा शिखर, शुद्ध सोने से बना सिंहासन, राम मंदिर के 42 दरवाजे, सिंह द्वार पर हाथी और शेर, परिधि मार्ग पर
मूर्तियों में राम कथा, साथ ही 795 मीटर लंबा परकोटा तैयार हो रहा है। अशोक जी सिंगल वहां ले गए थे, फिर वो बाहर रहे कि आप, मैं बाहर रहता हूं, मैं अगर आपके साथ चलूंगा तो किसी को लगेगा क्या बात है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए, मुझे कुछ ले जाने नहीं दिया गया था। और मैंने देखा कि ये इसका नाप पैमा किए बगैर तो मैं कोई प्लान नहीं बना सकता कि अभी का कमरा है, जो दीवारें हैं किस हिसाब से है, क्या है, वो देखने के लिए मैंने अपना पैर जैसे है कि एक पैर चलते हैं तो 1.5 फुट या 1.75 फुट जो होता है उस हिसाब से वो सब नाप करके पूरा बिल्डिंग का जो ढांचा था उसका नाप तोल किया था। कहते हैं किसी भी इमारत की नींव जितनी मजबूत होती है उसके शिखर को उतनी ही मजबूती मिलती है। यही वजह है कि चंद्रकांत सोमपुरा और उनकी टीम नींव से लेकर शिखर तक राम मंदिर के निर्माण के हर चरण से जुड़ी हुई है। सबसे अधिक चुनौती से भरा चरण मंदिर के नींव का निर्माण था। देश के बड़े तकनीकी संस्थानों की एक टीम ने राम जन्मभूमि पर निर्माण की बारीकियों का अध्ययन किया, फिर हैदराबाद के नेशनल जियो रिसर्च इंस्टीट्यूट ने GPR सर्वे करके खुदाई का सुझाव दिया। 3 महीने में 1,25,000 क्यूबिक मीटर मिट्टी खोद कर निकाली गई। इसके बाद गर्भगृह के नीचे 14 मीटर गहरा और उसके अगल बगल में 12 मीटर गड्ढा तैयार किया गया। फिर इस गहराई को भरने और दबाने का तकनीकी काम शुरू हुआ। 12 इंच मोटी कॉम्पैक्ट कंक्रीट की परत को 10 टन के रोलर से दबाकर 10 इंच का बनाया जाता। इसके बाद कॉम्पैक्ट कंक्रीट की एक और परत डाली जाती। गर्भगृह में इस तरह की 56 और उसके बगल के हिस्से को ऐसी 48 परत भरकर राफ्ट तैयार की गई, जिस पर राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। नींव भराई के समय इस काम में करीब 6 महीने लगे। राफ्ट तैयार हो जाने के बाद विशेष रूप से समतल की गई जमीन के ऊपर ग्रेनाइट के पत्थरों को जमाने का काम शुरू हुआ। राम मंदिर को तैयार करने के लिए 2,500 लोग दिन रात काम करते हैं। 3 शिफ्ट में मंदिर निर्माण हो रहा है। राम मंदिर में ना तो लोहे का इस्तेमाल हो रहा है, राम मंदिर में ना सीमेंट लगा है, कंस्ट्रक्शन के काम में भी स्टील का प्रयोग नहीं हुआ है। धातु के नाम पर सिर्फ शुद्ध तांबे के पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है, वो भी कुछ पत्थरों को जोड़ने के लिए। यूपी के कुशीनगर में पहचान छिपाकर पहुंची बिहार को यूपी पुलिस के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। यूपी और बिहार की पुलिस के बीच झड़प का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल बिहार के गोपालगंज जिले की पुलिस सादे कपड़ों में और बिना नंबर प्लेट की गाड़ी में कुशीनगर पहुंची और शराब की दुकान पर मौजूद ग्राहकों को परेशान करने लगी। इसकी सूचना मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। बिहार पुलिस के सादे कपड़ों में यूपी आने पर आपत्ति दर्ज की। इस बीच दोनों राज्यों की पुलिस के बीच काफी देर तक तीखी बहस हुई।